Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आज मैं आपके साथ ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ. सो गाइस, इट्स अ कैजुअल ग्लैम मेकअप लुक. आप इसे इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी वेडिंग पार्टी में जा रहे हो या आपकी बर्थडे पार्टी हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं. सो गाइस, इट्स अ रिक्वेस्टेड वीडियो. वन ऑफ माई सब्सक्राइबर रिक्वेस्टेड मी टू क्रिएट अ सिंपल पार्टी मेकअप लुक. सो आई हैव क्रिएटेड दिस लुक एंड इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ डू आई क्रिएटेड दिस लुक, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस TNW रोज वाटर, जिसे मैं अपने चेहरे पे अच्छे से स्प्रे कर लूँगी. तो आप जो भी टोनर यूज़ करते हैं आप उसे स्प्रे कर सकते हैं और इस तरह से अपने चेहरे पे एब्जॉर्ब कर लें. तो उसके बाद मैंने लिया है गुड वाइब्स का नीम एंड तुलसी फेस मॉइस्चराइजिंग जेल. तो गाइज, मेरी अभी ऑयली स्किन है, इस वजह से मैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ. ये चेहरे को बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनाता है. तो अगर आपकी ड्राई है तो आप क्रीम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी ऑयली है तो आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई करिएगा. सो गाइज, नाउ आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी मैट पोरलेस प्राइमर विथ क्ले. तो गाइज़, ये थोड़ा सा क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है, बट जब आप इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ये जेल की कंसिस्टेंसी में हो जाता है और बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है, और इसके ऊपर आप मेकअप करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. तो गाइज, प्राइमर अप्लाई करने के बाद 2 मिनट के लिए वेट करेंगे. उसके बाद मैंने लिया है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन. तो इसमें मेरा शेड है 220, और इसे मैं अपने वेट ब्यूटी स्पॉन्ज में लेकर के अपने चेहरे पे अप्लाई कर लूँगी और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. एंड आप देख सकते हैं कि आज मैंने कोई भी कंसीलर नहीं यूज़ किया है. एंड गाइज, आप इसकी कवरेज देख सकते हैं कि इसने मेरे पूरे चेहरे को एकदम इवन टोन दिया है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड बहुत ही अच्छी कवरेज देता है. तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गया है और बहुत ही लाइट वेट लग रहा है. मैंने कंसीलर नहीं अप्लाई किया है. अब इसे सेट करने के लिए लिया है मेबलिन फिट मी का ये कॉम्पैक्ट. तो आप अपने मेकअप को कॉम्पैक्ट पाउडर से भी सेट कर सकते हैं या तो लूज़ पाउडर से भी, बट मैं आज आपको एकदम बहुत ही कम प्रोडक्ट्स और अफोर्डेबल दिखा रही हूँ. और मोस्टली लोगों के पास लूज़ पाउडर नहीं होता है, बट कॉम्पैक्ट ज़रूर होता है. तो आप अच्छे से अपने मेकअप को सेट कर लें. और नेक पे पाउडर अप्लाई करने के लिए मैंने लिया है ये पाउडर ब्रश. तो गाइज, अपने नेक को कवर करना कभी भी ना भूलें. तो उसके बाद मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट, और इसका जो पैलेट का नाम है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा. तो इसमें से मैंने ब्राउन शेड लिया है, जिससे मैं अपने चेहरे को कॉन्टोर कर लूँगी. सो गाइज, अगर आपके पास कॉन्टोर पैलेट अलग से नहीं है तो मोस्टली आई शेडो पैलेट्स में ये न्यूट्रल या ब्राउन शेड्स दिए होते हैं, तो आप उससे अपने चेहरे को कॉन्टोर कर सकते हैं. सो गाइज, अब सेम आई शेडो पैलेट से मैंने ये डार्कर ब्राउन शेड लिया है, इससे मैं अपनी ब्राउज को फिल कर लूँगी. और जहाँ जहाँ पे नीड है सिर्फ वहीं पे फिल करूँगी. मुझे ओवर फिलिंग बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, वो बहुत ही डार्क लगती है ब्राउज, बहुत ही फेक लुक आता है. तो उसके बाद मैं अपनी स्पूली की हेल्प से ब्राउज को सेट कर लूँगी. नाउ आई एम टेकिंग NY बे स्पॉटलेस HD कंसीलर, जिसे मैं अपनी आईलेट पे अप्लाई कर लूँगी, और इसका शेड नेम है मिल्क एंड वाइट चॉकलेट. और उसके बाद मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, जिससे मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. एंड ऑलवेज अपने ब्यूटी स्पॉन्ज को यूज़ करने से पहले आप उसे वेट करें और एक्स्ट्रा वाटर को स्क्वीज़ कर दें. उसके बाद मैं इसे अच्छे से सेट कर लूँगी. आई एम यूजिंग सेम मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट फॉर दैट. Now I am taking that same brown shade and going to apply it as my transition shade on eyelid. और इसे अपनी क्रीज के ऊपर अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. And for blending the shade, I am using a large fluffy brush. सो नाउ यू कैन सी कि शेड अच्छे से ब्लेंड हो गया है. उसके बाद मैंने लिया है मार्वलस मैट आई शेडो पैलेट, जिससे मैं ये पिंक और रेड शेड को लूँगी और इसे आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी और क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. सो गाइज, ये जो आई मेकअप है बहुत ही ईजी है, बस मैंने 2 ही शेड यूज़ करे हैं. पहले ट्रांजिशन पे अप्लाई किया था, और उसके बाद अब मैं इसे क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि आईज़ को थोड़ी सी डेप्थ मिले. तो टुडे आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी मेटालिक आई शेडो, एंड इसका शेड है 02 डायमंड डस्ट.
जिसे मैं अपने एज अ हाफ कट क्रीज आईलिट पे अप्लाई कर लूँगी। तो आपको इससे पहले कंसीलर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजिली अप्लाई हो जाता है। एंड नाउ यू कैन सी कि ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही ईजिली हम लोग अपना आई मेकअप कर सकते हैं। सो नाउ आई एम टेकिंग दैट सेम ब्राउन शेड जिसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए, ताकि मेरा आई लुक कम्प्लीट लगे। सो टुडे आई एम यूजिंग यूरोप गर्ल पेरिस पेन आई लाइनर जिससे मैं अपनी आई लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। एंड आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा विंग आई लाइनर नहीं अप्लाई करूँगी। सो आफ्टर अप्लाइंग आई लाइनर आई एम टेकिंग दिस वेट एंड वाइल्ड वाइट कोल जिसे मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूंगी। सो टुडे आई एम टेकिंग दिस के ब्यूटी लाला लैश वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा जिसे मैं अपने आई लैशेज पे अप्लाई कर लूंगी। एंड आप देख सकते हैं इंस्टेंटली लैशेज को अपलिफ्ट करता है, डार्कर एंड डेंसर लुक देता है। बहुत ही ब्यूटीफुल मस्कारा है। एंड आप ऊपर दिए गए आई बटन पे टैप करके वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने लिया है मेबलिन का हाईलाइटर विच इज़ इन शेड मोल्टन गोल्ड, और इससे मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करूंगी। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू हाईलाइट द इनर कॉर्नर्स ऑफ माय आईज। उसके बाद मैंने फैन ब्रश लिया है जिसकी हेल्प से मैं अपने पूरे चेहरे को हाईलाइट करूंगी, जैसे कि चीक बोन, नोज टिप, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन एंड फोरहेड। सो आफ्टर दैट आई एम टेकिंग दिस के ब्यूटी मैट ब्लश विच इज़ इन शेड स्वीट सैलमन, और इसे मैं अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा नोज पे एंड चिन पे। ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा मैट ब्लश है एंड ऑल्सो ये बहुत ही हेल्दी सा लुक देता है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द लिप्स, आई एम टेकिंग दिस स्विस ब्यूटी मैट लिक्विड लिपस्टिक, और इसका शेड नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो इसको मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है, पूरे लुक के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर स्प्रे, और इसे मैं अपने चेहरे पे स्प्रे कर लूंगी, ये मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखेगा। क्रिएटेड यूजिंग वेरी लेस मेकअप प्रोडक्ट, और आप इस लुक को कहीं भी इजिली क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इट्स वेरी लाइट वेटेड, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा मेकअप अपने फेस पे अप्लाई किया है, तो आप इसको इजिली कैरी कर पाएंगे। एंड ऑल्सो गाइज अब फेस्टिव सीजन आ गया है, तो आप इस लुक को इजिली क्रिएट कर सकते हैं एनी टाइम यू वॉन्ट टू। एंड ऑल्सो गाइज जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपके पास मेकअप प्रोडक्ट हो उसे यूज़ करके। ऐसा नहीं है कि जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है आपको भी वही यूज़ करना है। सो गाइज इफ यू लाइक दिस लुक देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये लुक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, आई एम रियली लविंग दिस लुक। एंड आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। एंड ऑल्सो गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नीचे कमेंट करके जो बताइएगा कि आप नेक्स्ट कौन सा मेकअप ट्यूटोरियल देखना चाहेंगे, तो मैं उस लुक को जरूर क्रिएट करूंगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर, बाय गाइज।